सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द इनोसेंट्स के बारे में। ये कहानी है एक डॉक्टर की, जिसे पता लगता है कि एक कॉन्वेंट के बहुत सारे नन को प्रेग्नेंट कर दिया गया है, वो भी नाजायज तरीके से। तब वो सच्चाई का पता लगाने की कोशिश में लग जाती है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने पोलैंड का दृश्य आता है, और ये वक्त होता है 1945 का। तभी हमारे सामने एक कॉन्वेंट का दृश्य आता है, जहाँ पर हम बहुत सारी नन्स को देखते हैं। ये सारे लोग ईश्वर के सामने प्रार्थना कर रहे हैं। यहीं पर एक टेरेसा नाम की नन है, जिसे प्रार्थना के समय किसी लड़की की आवाज सुनाई पड़ती है। उसे लगता है कि कोई लड़की चीख रही है। फिर जैसे ही इनकी प्रार्थना खत्म होती है, टेरेसा उस लड़की को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। वो कॉन्वेंट से बाहर निकलती है और जंगल के रास्ते होते हुए पहुंचती है एक छोटे से गाँव में, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं। तब वो बच्चों से पूछती है लड़की के बारे में, और एक बच्चे को कहती है कि अगर तुम मुझे उस लड़की के पास लेकर के चलोगे तब मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगी। और बच्चा भी मान जाता है और टेरेसा को लेकर के जाने लगता है गांव के अंदर। तब थोड़ी देर के बाद टेरेसा पहुंचती है एक हॉस्पिटल के पास, जहां पर उसे पता लगता है कि यहां पर बहुत सारे घायल लोग हैं, खास करके सिपाही। फिर टेरेसा को समझ में आता है कि आवाज यहीं से आ रही थी। तब वो चली जाती है हॉस्पिटल के अंदर और जाकर के मिलती है यहां के एक डॉक्टर से, जिसका नाम है मटिल्ड। मटिल्ड एक फ्रेंच डॉक्टर है। टेरेसा मटिल्ड को कहती है कि मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, इतने सारे मरीजों की देखभाल करना बहुत मुश्किल है, आपको किसी की जरूरत है, अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। लेकिन मटिल्ड मना कर देती है और टेरेसा को बताती है कि ये एक फ्रेंच हॉस्पिटल है और यहाँ पर सिर्फ फ्रेंच लोग ही काम करते हैं, इसीलिए तुम बाहर चली जाओ। तब टेरेसा यहाँ से चली जाती है। लेकिन थोड़े समय के बाद जब मटिल्ड स्मोक कर रही होती है, तभी वो खिड़की से बाहर देखती है कि टेरेसा बाहर बैठी प्रार्थना कर रही है सारे मरीजों के लिए। तब मटिल्ड को समझ में आता है कि टेरेसा बहुत ही प्योर है, वो वाकई में मदद करना चाहती है। फिर रात में मटिल्ड जाती है टेरेसा के पास और पीछे के दरवाजे से अंदर लेकर के आती है उसे। तब टेरेसा उससे पूछती है कि मैंने एक औरत को चीखते हुए सुना था। तब मटिल्ड कहती है कि मैंने भी, आओ उस औरत को ढूंढते हैं। तब ये दोनों उस औरत को ढूंढने लगते हैं और थोड़ी देर के बाद जैसे ही ये लोग एक कमरे में दाखिल होते हैं, इन्हें बहुत सारी नंस नजर आती हैं और यहीं पर एक प्रेग्नेंट नन है जिसकी किसी भी वक्त डिलीवरी हो सकती है। तब मटिल्ड उनकी मदद के लिए पहुंचती है। जब वो इस औरत के पेट को देखती है, तब कहती है कि इसकी कंडीशन बहुत ही क्रूशल है, अंदर जो बच्चा है वो एक ब्रीच बेबी है। इसका मतलब है कि बच्चा का पैर आगे है जबकि सर आगे होना चाहिए, इसीलिए मुझे सर्जरी करनी पड़ेगी। फिर सर्जरी के लिए वो सबसे पहले नन को बेहोश करती है। मटिल्ड के पास बहुत ही कम इक्विपमेंट्स है, लेकिन उसके बावजूद वो ऑपरेशन को कंप्लीट करती है। तब बच्चा और नन दोनों जिंदा बच जाते हैं। फिर ये लोग मटिल्ड को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन जाने से पहले मटिल्ड मारिया नाम के नन को कहती है कि कल मैं दोबारा आऊंगी इन दोनों की हालत देखने के लिए। तब मारिया कहती है कि अब तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। फिर इस बात को सुनते ही मटिल्ड गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अगर बच्चा या नन में से किसी को कुछ भी हुआ तो उनका खून तुम्हारे सर पे होगा, तो तुम सोच लो। तब मारिया भी सोचती है और कहती है कि तुम कल आ सकती हो। फिर मटिल्ड अपनी गाड़ी निकालती है और ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन रात भर मटिल्ड सोती नहीं है और सुबह होते ही पहुंच जाती है ऑपरेशन थिएटर में। लेकिन उसकी आंखों को देख करके ये बात समझ में आ रही है कि वो सोई नहीं है। उसके साथ जो डॉक्टर सर्जरी कर रहा होता है वो इस बात को समझ जाता है। इस डॉक्टर का नाम है सैमुअल। फिर वो मटिल्ड को कहता है कि तुम घर जाओ, तुम्हें ये ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम इसके लिए तैयार नहीं हो। तब मटिल्ड भी जा करके सो जाती है। तभी हमारे सामने कॉन्वेंट का दृश्य आता है और यहाँ पर हम देखते हैं एबीस को, जो डांट रही है टेरेसा को कि उसने नियमों का उल्लंघन किया है। वो बिना किसी को बताए कॉन्वेंट से बाहर चली गई। अगर उसने दोबारा कुछ भी ऐसा किया तब उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। फिर टेरेसा इस बात से पूरे दिन उदास रहती है। लेकिन जैसे ही शाम होती है मटिल्ड यहाँ पर आ जाती है। तब मारिया उसे लेकर के जाती है उस नन के पास। मटिल्ड जैसे ही नन की हालत देखती है वो उसे कुछ दवाइयाँ दे देती है। तब मारिया उसे लेकर के जाने लगती है कॉन्वेंट से बाहर। तभी वो देखती है कि बहुत सारी नन इधर ही आ रही हैं। तब वो मटिल्ड को छुपा देती है। जैसे ही नन से यहाँ से चली जाती है ये दोनों दोबारा चलना शुरू करते हैं। तभी हम एना नाम के एक नन को देखते हैं जो चलती चलती बेहोश होकर के नीचे गिर जाती है। जैसे ही मटिल्ड इस चीज को देखती है वो भाग करके जाती है एना के पास। तब मटिल्ड को पता लगता है कि एना भी प्रेग्नेंट है और अब वो समझ नहीं पाती है कि इस कॉन्वेंट में क्या हो रहा है। आखिर नंस प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है, यहाँ पर किसी भी मर्द का आना जाना वर्जित है। तब वो निश्चय करती है कि वो जा करके बात करेगी एबीस से। वो उसके ऑफिस में पहुंच जाती है। यहाँ पर मारिया भी होती है। तब ये लोग पूरी सच्चाई बताते हैं। एबीस कहती है कि यहाँ पर रशियंस आते हैं और हम उन्हें रोक नहीं पाते। यहाँ पर 6 नंस प्रेग्नेंट है और उन सबको रशियंस ने ही प्रेग्नेंट किया है। तब मटिल्ड भड़क जाती है और कहती है कि इसका हमें रिपोर्ट करना चाहिए। तब एबीस कहती है कि नहीं, अगर ये बात बाहर आई तो सारे लोग इस कॉन्वेंट को त्याग देंगे। उसके बाद इन नन के पास कहीं भी जाने का ऑप्शन नहीं होगा, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप डॉक्टर हैं इसीलिए हम आपको ये बात बता रहे हैं ताकि आप हमारी मदद कर सके। तब मटिल्ड कहती है कि अगर तुम लोग कुछ नहीं कर सकते तो मैं इस बारे में अपने सुपीरियर से बात करूंगी, कहीं वो मदद कर सके बिना किसी नन को परेशान किए। तब एबीस भी मान जाती है। लेकिन जैसे ही यहाँ से मटिल्ड
निकलती है। वो शाम को सैमुअल के साथ जाती है बाहर। तब ये दोनों अपने अपने परिवार के बारे में बताते हैं। मटिल्ड बताती है कि वो एक मिडिल क्लास परिवार से है। उसके माता पिता कम्युनिस्ट हैं। उनकी विचारधारा दुनिया से बिल्कुल ही अलग है। तब सैमुअल अपने बारे में बताता है कि वो एक अपर क्लास का लड़का है। वो अपने माता पिता का इकलौता बच्चा है, लेकिन नाजियों ने उसके माता पिता को कॉन्सेंट्रेशन कैंप में मार दिया। तब इन बातों को सुनने के बाद मटिल्ड भी निराश हो जाती है। फिर सैमुअल मटिल्ड को कहता है कि क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगी। तब ये दोनों डांस करने लगते हैं और रात में सैमुअल मटिल्ड को उसके घर छोड़ने जाता है। लेकिन धीरे धीरे ये दोनों करीब आने लगते हैं और पहली बार ये दोनों इंटीमेट होते हैं। लेकिन जैसे ही सुबह होती है, हमारे सामने फिर से कॉन्वेंट का दृश्य आता है। तब मारिया जाकर के जोफिया को बताती है कि तुम्हारे बच्चे को तुम्हारे आंट के पास भेज दिया गया है। तभी यहाँ पर मटिल्ड आ जाती है और एक एक करके वो सारे नंस को चेक करने लगती है। तब उसे एहसास होता है कि ये नंस कितनी ज्यादा दिक्कत में है। जो औरतें प्रेग्नेंट है उनकी हालत और भी ज्यादा खराब है। मटिल्ड उनसे बात करना चाहती है और वो जानना चाहती है कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन मटिल्ड से कोई बात नहीं करता। सारी की सारी नन यहाँ से चली जाती है। तब मटिल्ड मदद मांगती है मारिया से और कहती है कि मुझे सच में उनसे बात करना है ताकि मैं जान सकूं कि उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन मारिया भी उसकी मदद नहीं कर पाती। तब मटिल्ड यहाँ से निकलने लगती है। अब पूरे तरीके से रात हो चुकी है। जब वो आधे रास्ते में होती है तब वो देखती है कि यहाँ पर बहुत सारे रशियन सिपाही हैं। वो मटिल्ड के गाड़ी को रोकते हैं और जैसे ही उन्हें पता लगता है कि ये एक लड़की है, तब वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं और एक वक्त के बाद वो उसका बलात्कार करने वाले होते हैं। तभी यहाँ पर ऑफिसर रस आ जाता है और सबको हटाता है मटिल्ड के पास से। फिर उससे पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तब मटिल्ड कहती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, बस एक पेशेंट को देखने आई थी। तब ऑफिसर उसे छोड़ देता है, लेकिन मटिल्ड में अब हिम्मत नहीं है कि वो आगे जा सके, इसीलिए वापस चली आती है कॉन्वेंट में, लेकिन मारिया को कुछ भी नहीं बताती। तब मारिया उसे एक कमरा दे देती है। जैसे ही मटिल्ड दोबारा अकेली होती है, वो रात भर फूट फूट के रोती है। लेकिन सुबह होते ही यहाँ पर दोबारा से रशियन ऑफिसर्स आ जाते हैं और पूरे कॉन्वेंट की तलाशी लेते हैं। उनका मानना है कि कॉन्वेंट के अंदर इन लोगों ने दुश्मनों को छुपा करके रखा है। तभी मटिल्ड इनके सामने आ जाती है और कहती है कि यहाँ पर चारों तरफ महामारी फैली है, मैं इनका इलाज कर रही हूँ। तब इन बातों को सुनने के बाद रशियन वापस चले जाते हैं। तभी मटिल्ड देखती है कि एबिस की तबीयत खराब हो रही है। यहाँ पर उसे एहसास होता है कि रशियंस ने एबिस का भी बलात्कार किया है। तब वो मारिया के पास जाती है और मारिया के बातों से उसे पता लगता है कि उन लोगों ने मारिया के साथ भी वही किया है। रशियंस ने यहाँ के किसी भी नन को नहीं छोड़ा है। तब मटिल्ड निश्चय करती है कि वो यहाँ से चली जाएगी, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुँचती है, सारी नन्स उसके पास भाग करके आती है और उसे गले लगा करके कहती है कि आप मत जाओ, आपको जो सवाल पूछना है हम उस सवाल का जवाब देंगे, लेकिन आप यहीं पर रहो। तब मटिल्ड कहती है कि मैं वापस जरूर आऊंगी, अभी मुझे काम पे जाने दो। फिर मटिल्ड पहुंच जाती है हॉस्पिटल, लेकिन यहाँ आते ही वो देखती है कर्नल को, जो मटिल्ड को डांटता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ वहाँ नहीं घूमना चाहिए, तुम्हें सिर्फ हॉस्पिटल में रहना है। अगर मैंने दोबारा तुम्हें बाहर जाते हुए देखा तो हमें तुम्हें डिपोर्ट करना पड़ेगा। फिर जैसे ही सैमुअल को यह बात पता लगती है, वो जाता है मटिल्ड के पास और कहता है कि अगर तुम यहाँ से चली गई तो सबसे ज्यादा बुरा मुझे लगेगा, मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं पर रहो। सैमुअल फिर से रात बिताना चाहता है मटिल्ड के साथ, लेकिन मटिल्ड कहती है कि मेरी तबीयत खराब है। तब सैमुअल चला जाता है, लेकिन रात होते ही मटिल्ड अपनी साइकिल निकालती है और दोबारा पहुंचती है कॉन्वेंट के अंदर और एक एक करके जितनी भी प्रेग्नेंट नंस हैं उनका इलाज करने लगती है। तभी उसकी मुलाकात होती है एक और लड़की से, जो बहुत खुश है क्योंकि जिस रशियन ने उसे प्रेग्नेंट किया है वो उससे प्यार करती है और वो भी इससे प्यार करता है। अगर वो नहीं होता तो अब तक रशियंस ने सारे के सारे नंस को मार दिया होता, वो एक अच्छा इंसान है। तब मटिल्ड को भी ये बात अच्छी लगती है, वो जाती है मारिया के पास। मारिया बताती है कि युद्ध कब का खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी हम युद्ध लड़ रहे हैं, हम आजाद नहीं है, हमारे ऊपर उन सारे सिपाहियों की नजर है। तभी मटिल्ड देखती है कि धीरे धीरे एबिस की हालत खराब होती जा रही है, उसे एक जानलेवा बीमारी हो गई है। जिस सिपाही ने उसका बलात्कार किया था उसे एक बीमारी थी और वो बीमारी अब एबिस के अंदर आ चुकी है, एबिस अपना इलाज भी नहीं करवाना चाहती। तभी यहाँ पर हम इरिन नाम के एक नन को देखते हैं जो पियानो बजा रही है और सारे लोग उसके पियानो को सुन रहे हैं। तभी मारिया मटिल्ड को आकर के बताती है कि एक नन ने अपने बच्चे को जन्म दिया है बिना किसी के मदद के और अब वो उस बच्चे को अपना भी नहीं रही है। उसे पता भी नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है और वो कब से इन चीजों को छुपा रही थी सारे लोगों से। तब मटिल्ड उसके पास जाती है और उसके बच्चे को ला करके दे देती है सोफिया नाम की लड़की को कि वो उसे ब्रेस्ट फीड करे, लेकिन अब मटिल्ड के कपड़े खराब हो चुके हैं। तब मारिया उसे अपने कपड़े देती है, ये वो कपड़े हैं जब मारिया नई नई यहाँ पर आई थी तब पहनती थी।
लेकिन अब वो नन वाले कपड़े पहनती है, इसीलिए वो चाहती है कि मटिल इन कपड़ों को पहने। फिर ये दोनों अपनी अपनी बातें बताते हैं। मारिया कहती है कि मैं एक नन बन करके बहुत खुश हूँ, लेकिन जो भी यहाँ पर हो रहा है वो सारी चीजें मुझे दुखी कर देती हैं। अगर ये सब कुछ ठीक हो जाए तो मैं हमेशा खुश रहने लगूंगी। लेकिन मटिल कुछ भी नहीं बोलती, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा कि उसकी खुशी आखिर है तो है कहाँ पे। फिर वो यहाँ से निकल जाती है और जाने के बाद उसकी मुलाकात होती है फिर से कर्नल से। कर्नल सबको बताता है कि एक महीने के बाद हम में से ज्यादातर लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं फ्रांस, लेकिन सैमुअल को पता है कि वो यहीं पर रुकेगा। फिर वो जाता है मटिल के पास और कहता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। तब मटिल रोने लगती है, लेकिन सैमुअल समझ जाता है कि ये आंसू उसके लिए नहीं है बल्कि किसी और चीज के लिए है। फिर वो जानबूझ के जा करके एक दूसरी लड़की के साथ डांस करने लगता है ताकि इससे मटिल को फर्क पड़े, लेकिन मटिल दारू पीती रहती है, वो उधर देखती भी नहीं। तभी सुबह में दोबारा हमारे सामने कॉन्वेंट का दृश्य आता है। तभी एक नर्स का वाटर ब्रेक हो जाता है। जैसे ही मारिया को यह बात पता लगती है, वो तुरंत कॉल करती है मटिल को यहाँ पर आने के लिए। लेकिन इस बार मटिल अकेली नहीं आती, वो सैमुअल को सब कुछ बता देती है और कहती है कि तुम्हारा मेरे साथ चलना बहुत ही जरूरी है। तब सैमुअल भी यहाँ पर आ जाता है, लेकिन एबिस और मारिया जैसे ही सैमुअल को देखते हैं कहते हैं कि अंदर नहीं जा सकता, हमें मर्दों पर भरोसा नहीं है। तब सैमुअल एबिस को भरोसा दिलाता है कि मैं यहाँ पर कुछ भी गलत करके नर्क में नहीं जाना चाहता, मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ और यहाँ पर डॉक्टर की ही जिम्मेदारी निभाने आया हूँ। तब एबिस भी मान जाती है और ये लोग अंदर जाकर के सारे प्रेग्नेंट नर्स का उपचार करने लगते हैं। तभी थोड़ी देर के बाद मटिल जाती है सोफिया के पास, लेकिन अब मारिया ने उसके बच्चे को ले लिया है। वो लोग यहाँ पर बच्चे को नहीं रख सकते, उन्हें एडॉप्शन के लिए बच्चे को भेजना पड़ेगा। तब सोफिया रोने लगती है। तभी यहाँ पर एबिस आ जाती है, वो मारिया से बच्चे को लेती है और लेकर के बाहर जाने लगती है। लेकिन सोफी इस बच्चे से बहुत ही ज्यादा अटैच हो गई है, इसीलिए वो उसके पीछे पीछे जाती है। तब थोड़ी देर के बाद सोफिया देखती है कि एबिस ने बच्चे को ले जाकर के बस बाहर रख दिया है, उसने किसी को भी अडॉप्ट करने के लिए बच्चे को नहीं दिया, यानी कि सोफिया का बच्चा ऐसे ही मरने वाला है। तब सोफिया फूट फूट के रोने लगती है और एबिस यहाँ से निकल जाती है। सोफिया रोती हुई वापस आती है, तब मारिया उसे गले से लगाती है, लेकिन सोफिया का दुख अब कम नहीं होने वाला। तभी दूसरी तरफ हम एबिस को देखते हैं जो ईश्वर के सामने प्रार्थना कर रही है और अपने पाप के लिए वो माफी भी मांग रही है। वो ईश्वर से कहती है कि उसके पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है, अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो एक कॉन्वेंट भी नहीं बचता। तभी हम देखते हैं मटिल और सैमुअल को, इन लोगों ने प्रेग्नेंट नंस की मदद की है, उन लोगों ने दो बच्चे को जन्म दिया है। तभी मटिल बुलाती है मारिया को और कहती है कि जाकर के गर्म पानी और चीनी लेकर के आओ, लेकिन मारिया जब रास्ते में होती है तब उसे चीख सुनाई पड़ती है। फिर वो भागती हुई जाती है बाहर। बाहर जाकर के वो देखती है कि सोफिया ने आत्महत्या कर ली है और वहाँ बैठ करके एक नन रो रही है। तभी बाकी लोग भी बाहर आते हैं, लेकिन सबको एहसास होता है कि उन लोगों ने सोफिया को खो दिया है। फिर धीरे धीरे करके ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। मटिल जब यहाँ से जाती है तब उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन ये सारे नन रात में इकट्ठा होकर के ईश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं कि सोफिया की आत्मा को शांति मिले। फिर अगले दिन मारिया जाती है गांव में और सोफिया की आंट को बताती है कि सोफिया नहीं रही। तब उसकी आंट बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। तब मारिया उसकी बाकी चीजें दे देती है उसकी आंट को। फिर वो उसकी आंट से पूछती है कि सोफिया का बच्चा कैसा है। तब उसकी आंट कहती है कि कौन सा बच्चा, मैं किसी बच्चे के बारे में नहीं जानती। तब मारिया को पता लगता है कि एबिस ने कभी भी बच्चे को यहाँ पर नहीं भेजा। तब वो गुस्से में पहुँचती है एबिस के पास और कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। एबिस पूरी सच्चाई बताती है कि मैं नहीं चाहती कि यहाँ का राज बाहर जाए, अगर राज बाहर चला गया तब ये पूरा का पूरा कॉन्वेंट बंद हो सकता है। तब मारिया को एहसास होता है कि एबिस अब तक बच्चों को मारती रही है। तब मारिया भी टूट जाती है, वो रात भर रोती है। लेकिन जैसे ही सुबह होती है हम देखते हैं कि इरिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली है और थोड़ी देर के बाद वो अपने बच्चे को जन्म भी दे देती है। लेकिन मारिया जैसे ही बच्चे को देखती है वो थक्की बक्की रह जाती है, क्योंकि अब उसे पता है कि इस बच्चे के साथ क्या होने वाला है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं हॉस्पिटल को, यहाँ पर सारे लोग तैयारी करने वाले हैं क्योंकि जल्दी ये सब यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन यहाँ से जाने से पहले रात में एक गुड बाय पार्टी होती है। तब हम सैमुअल और मटिल को एक साथ देखते हैं, ये दोनों डांस कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर मारिया आती है एक और नन के साथ, उनके हाथ में बच्चे हैं। तब मारिया सारी की सारी बातें बताती है मटिल को और कहती है कि हम इन बच्चों को नहीं मार सकते। तब रात भर मटिल इस बारे में सोचती है। इसी बीच वो बाहर देखती है एक अनाथ बच्चे को। तब उसे एक आइडिया आता है। सुबह सुबह कॉन्वेंट में जब सारे के सारे नन खाना खा रहे होते हैं तभी वहाँ पर मटिल पहुँच जाती है दोनों बच्चों को लेकर के, और मटिल और भी अनाथ बच्चों को लेकर के आई है। वो सारे नंस को कहती है कि ये सारे के सारे बच्चे अनाथ हैं, अगर आप लोग चाहें तो इन्हें पाल सकते हैं, ये पुण्य का काम है, ये कॉन्वेंट इन बच्चों का घर बन सकता है। तो बहुत सारी नंस इस बात के लिए राजी हो जाती हैं और ये जो बच्चे जिन नंस के हैं, मटिल उन बच्चों को अपनी माँ के हवाले कर देती है। लेकिन एबिस बिल्कुल चुप है, वो कुछ भी नहीं बोल रही। सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि एबिस कुछ बोलेगी। तब मारिया जाने लगती है एबिस की तरफ और कहती है कि यही मौका है, जो तुम्हें बोलना है बोलो। तब एबिस कहती है कि मुझे पता है कि इन बच्चों के लिए घर मैं कहाँ ढूंढ सकती हूँ,
हूँ। तब मारिया गुस्सा हो जाती है और कहती है कि उस घर के बारे में बताओ। तभी भी सबको सच्चाई बता देती है कि उसने कितने बच्चों को मारा है। तब यहाँ की कुछ नन उस पर गुस्सा हो जाती है। जब एबिस यहाँ से जाती है तब सारे लोग उसे कातिल कहते हैं और एबिस अब शांत हो जाती है। शर्म के मारे वो किसी से नजरे नहीं मिलाना चाहती, लेकिन यहाँ की जो बूढ़ी नन है वो चाहती है कि बचे हुए बच्चों के साथ ऐसा ना हो। वो लोग सारे बच्चों को अपना लेते हैं। तब मटिल्ड यहाँ से जाने लगती है। जब वो रास्ते में होती है तब उसे एक औरत नजर आती है जो अकेली चली जा रही है। फिर वो उसे अपनी गाड़ी में बुला लेती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तब वो लड़की कहती है कि मैंने अपने बच्चे को जन्म दिया था, मेरी उम्र बहुत ही कम है, मुझे पता नहीं कि एक माँ का कर्तव्य क्या होता है, इसीलिए मैंने अपने बच्चे को दे दिया कॉन्वेंट में। तब मटिल्ड भी इस बात को सुनकर खुश होती है और ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। फिर वक्त ऐसे ही बीतने लगता है और हमारे सामने 3 महीने बाद का दृश्य आता है। हम कॉन्वेंट को देखते हैं। कॉन्वेंट के सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं। हर तरफ बच्चों की आवाजें गूंज रही हैं। जो कॉन्वेंट पहले शांत हुआ करता था अब हर जगह सिर्फ और सिर्फ खुशियां हैं। यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े लोग आए हुए हैं जो बच्चों को अडॉप्ट करना चाहते हैं। सबको पता है कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं। तभी एक नन जाती है एबिस के पास। हम देखते हैं कि एबिस की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है और वो अपने कमरे से भी बाहर नहीं आना चाहती। तभी हम बाकी नन्स को देखते हैं जिनके गोद में बच्चा है और ये सारे लोग फोटो खींचते हैं। तभी हमारे सामने फ्रांस का दृश्य आता है। यहाँ पर हम मटिल्ड को देखते हैं हॉस्पिटल में। तभी उसे टेलीग्राम मिलता है। जब वो लिफाफा खोलती है तो अंदर मारिया का खत होता है और वही तस्वीर होती है। मारिया कहती है कि अब इस कॉन्वेंट में हर तरफ सिर्फ और सिर्फ खुशियां हैं। फिर जैसे ही मटिल्ड इन शब्दों को पढ़ती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।